विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में आज रायबरेली में मतदान शुरू हो गया है। लोग अपना वोट देने के लिए सुबह से ही आने शुरू हो गए हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर से जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आपने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है? हम तो बस यही चाहते हैं कि जो महंगाई है वो रोजगार मिले, बस इससे बड़ा मुद्दा और क्या मिलता है। और युवा पर्सन को रोजगार नहीं। हम आदरणीय सोनिया जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, और हमारी आदरणीय नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी ने रायबरेली जनपद में विकास किया है। हम विकास को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए हमने अपना मत कांग्रेस को दिया। प्रियंका जी ने, सोनिया गांधी जी ने बहुत रायबरेली के लिए बहुत विकास किया, कार्य भी बहुत अच्छा किया, इसी को देखते हुए मैं कांग्रेस को वोट किया। बेहतर कल के लिए, विकास के लिए और सभी नागरिकों के भलाई के लिए, जिससे हमें एक अच्छी सरकार मिले और सभी का भला हो। सबका भला के साथ साथ डेवलपमेंट भी चाहिए और नागरिकों को अपना हक भी मिलता रहे और सबकी जो है सुखमयी और अच्छी और हकदार वाली ज़िंदगी सबकी चलती रहे। बेहतर कल के लिए, बेहतर आज के लिए और विकास के लिए। आज 6 बजे तक सारे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी। आने वाले 10 तारीख को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। रायबरेली से आर्य लिंगी न्यूज़ के लिए मैं मनीष श्रीवास्तव।